चौकी की मिलीभगत से रातों रात जारी है धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार। मुंडापांडे थाना क्षेत्र में पिछले 6 माह से जारी है अवैध खनन का कारोबार। पुलिस का कहना है कि खनन रोकना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं। मुंडापांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चौकी रोंडा झोंडा अक्सर खनन और भ्रष्टाचार जैसे मामलों में लिप्त रहती है। कुछ माह पहले एक किसान से अवैध खनन के नाम पर 3,000 की अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया था। वहीं पर खनन माफिया चौकी के सामने से ही बालू लेकर फर्राटे से आवागमन कर रहे हैं। पुलिस चौकी के पास से फर्राटे से दौड़ा रहे खनन माफियाओं को स्थानीय पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। चौकी के पास से बालू की भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरने से रोंडा झोंडा चौकी पुलिस माफियाओं पर कार्यवाही करने में असफल नजर आ रही है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ही अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ने एक युवक को रोंडा झोंडा चौकी के पास रौंद दिया था। उसके बाद भी स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और मामले को ऐसे ही हमसाज होकर रफा दफा कर दिया था। देखना होगा कि स्थानीय पुलिस को छोड़कर थाने की पुलिस खनन माफियाओं के प्रति क्या अभियान चलाती है, या फिर इसी तरह से अवैध खनन के कारोबार को बढ़ावा देकर राजस्व विभाग को चूना लगाती रहेंगी और जिला अधिकारी के आदेश का मजाक उड़ाती रहेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर प्रदीप सिंह, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से जिला अध्यक्ष हूं मैं। क्या मामला है खनन को लेकर आप लोग जो इतना शोर कर रहे हैं? मामला ये है, ये ग्राम सभा जमीन पड़ी है यहाँ पे और रात और दिन खनन माफिया खनन कर रहे हैं और पुलिस चौकी के बराबर से खनन को लेके जाती हैं और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये जो अवैध खनन हो रहा है इसे रोका जाए, जो खनन माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई आगे नहीं होती तो आप लोग क्या करोगे? हमारी जो यूनियन है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो थाने घेराव करेंगे और अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। ये खनन कब से हो रहा है? ये बहुत दिनों से हो रहा है, यहाँ पर देखा जा सकता है। कौन सा थाना, कौन सी चौकी लगती है यहाँ पर? थाना मुंडापांडे लगती है और रोंडा झोंडा चौकी। जिला कौन सा है आपका? जिला मुरादाबाद।